क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां, क्या बात है, जय हो। आइए प्रवीण भाई, आइए आप बताइए, असली बधाई तो अब बनती है। आइए, क्या बात है, क्या बात है, आज जो है देखिए खुशी के आंसू छलक पड़े हैं। और कौन सी कार है यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग, ये टाटा की पंच है। प्रवीण भाई अब ये जो है सही समय है बधाई देने का, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। क्या कहेंगे फिर से एक बार, सब प्रेमाशु है, कोई बात नहीं, ठहर बोलिए बोलिए दो शब्द। मुझे लगता है कि हाँ खबरों को लेकर अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, एक पत्रकार होने के नाते जब भी आप कहीं आसपास देखते हैं चीज़ों को तो लगता है कि हाँ ये खबर है, ये खबर है और इस खबर को मुझे कैप्चर करना चाहिए, इस खबर को मुझे करना चाहिए। उसके लिए आप ये ना देखो कि हाँ दूरी कितनी हो रही है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बजरंग बली जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंका देख रहे, लंका बहुत दूर थी, समंदर पार के जाना था लेकिन उन्होंने लक्ष्य देखा उन्होंने और लक्ष्य की तरफ बढ़ लिए, रास्ते में रुकावटें आई लेकिन पहुँचे, वही इसने किया है। अगर लक्ष्य देख रहा है वो खबर उसकी लक्ष्य है, एक पत्रकार का जीवन ही खबर है, वो खबरों में जीता है, खबरों में सोता है, खबरों में खाता है पीता है, सब वही करता है, खबर ही उसके लिए सब कुछ है। तो जो खबर को इम्पोर्टेंस देता है तो उसी का नतीजा ये है। बस शायद ये प्राप्त कर चुके हैं, ये MSc BEd हैं और डिग्री कॉलेज में पढ़ाते भी थे लेकिन बंधन में कार्य करना इनकी पसंद नहीं थी, मतलब नौकरी नहीं करना, नौकरी नहीं करना, कई 40-40 हज़ार की नौकरियां इन्होंने छोड़ दिया, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना भी छोड़ दिया और ये स्वच्छंद कार्य करना प्रारंभ कर दिया और मीडिया पे आकर के जो है इन्होंने अपनी त्याग तपस्या से उपलब्धि प्राप्त किया है। खरीदा है तो क्या राय परामर्श आपसे लेते थे? हाँ हाँ राय परामर्श लेते थे, इनकी हार्दिक इच्छा है और ये मतलब इस सफलता के लिए और अपनी ऊंचाइयों पर जाने के लिए, चढ़ने के लिए इन्होंने ये कार्य लिया है। और बाकी प्रवीण को लख लख बधाइयाँ, क्योंकि देखिए एक संघर्ष के बाद जब आप कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त करते हो तो मुझे लगता है उसकी खुशी अंदर तक पूरे जो आपके गूजबम्स होते हैं, जो ये निकलते हैं, रोवे जो खड़े हो जाते हैं, वो इस समय इसको प्रतीत हो रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत है, यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि संघर्षों की जो कहानी होती है आमतौर पर देखा है कि जब लोग संघर्ष करके उठते हैं तो एक जगह पर आके टिक जाते हैं, वहाँ से उनके संघर्ष कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रवीण जो कर रहा है और प्रवीण जो आगे करेगा उसमें ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, अगर इसे गाड़ी या कार समझें कि प्रवीण चलेगा, ये इनका एक इक्विपमेंट है इनके काम के लिए, इनके सपोर्ट के लिए, और इसी के सपोर्ट से इससे बड़ी वाली कार आएगी। ये मुझे टीम का एक सदस्य भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टीम का एक मेंबर है, हम लोग का विमान है। हाँ विमान है और बिना विमान के तो कुछ नहीं होता है। किस्सा हुआ ये था कि हम लोगों को बिहार जाना था और जौनपुर से गोपालगंज की दूरी कितनी है ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, थोड़ी सी मेहनत आपके हिस्से भी छोड़ देते हैं। हम लोग बाइक से निकले, मैं और प्रवीण भाई थे, और हम गोरखपुर पहुँचे, बारिश होने लगी। अब ये हुआ कि कैसे निकला जाए, हमने सोचा क्या पता बारिश थम जाए, इंतज़ार करते रहे, बारिश नहीं रुकी, बारिश में भीगते हुए गए हैं, बैग जो है वो पॉलीथीन में रख के उसको कवर कर लिया, पूरा कपड़ा भीग गया और जो भी सामान था थोड़ा बहुत बैग में भी पानी गया, पूरा तो नहीं सेफ हो पाया, लेकिन भीगते हुए हम गोपालगंज पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में पूरा कपड़ा जब ऐसे निचोड़ा ऐसा लग रहा जैसे बाल्टी में डुबोया हो, बाकी सबको पता ही कि बारिश अगर तेज़ हो रही हो तो भीगेंगे तो कैसा, तो इतना जो संघर्ष करे उस पर नहीं अगर भगवान मेहरबान होगा तो क्या जो घर में सो रहे हैं उन पे होगा। तो इसी नमस्कार, आप देख रहे हैं PG न्यूज, मैं तेज प्रताप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक्त लखनऊ के TMB टाटा मोटर्स पे हैं और यहाँ आप लोगों को दिखाएंगे बताएंगे एक संघर्षों की कहानी। आज तक आपने देखा और तमाम लोगों के सवाल भी थे कि PG न्यूज के संपादक प्रवीण जी अक्सर जब कवरेज के दौरान चलते हैं दौड़ते हैं तो ग्राउंड पे ये बाइक से दिखाई देते थे। तकरीबन 6 महीने से इनकी तैयारी थी कि हम एक 4-व्हीलर खरीदेंगे और वो दिन आज जो है कहीं ना कहीं वो सपना साकार हो रहा है। और तस्वीरों में एक बार आप देख सकते हैं कि प्रवीण जी केक काट रहे हैं और मैनेजर साहब को केक खिला रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम लोग सवाल करते थे कि आखिर भाई प्रवीण भाई कब लेंगे कार और कौन सी कार लिए हैं। अभी देखिए फिलहाल इसको ढका गया है, अभी ओपनिंग होगी तब पता चलेगा कि प्रवीण भाई कौन सी कार लिए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि यहाँ पे आप आए हुए हैं और इस हमारे खुशी में आप पहुँचे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
ऐसा लग रहा है। अभी तो फिलहाल कार दर्शकों को नहीं दिखा रहे हैं, कैसा लग रहा है ये क्या बताएं। अब पापा साथ में हैं और आज कैसा लग रहा है शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस लड़के की औकात नहीं थी साइकिल खरीदने के लिए, और बात करें कि दिन रात भटकता था, लेकिन आज ये सब अगर सब कुछ हो पाया है तो ये हमारे पिताजी के वजह से हो पाया है। पापा दिन रात हमें मोटिवेट करते थे कि बेटा तुम एक दिन सक्सेस ज़रूर होगे, बस किसी कार्य को तुम लगातार लगे रहो, उसको छोड़ना मत। और पापा की बात हमने मानकर 2 महीने ग्राउंड पर मेहनत किया, और यूपी बिहार झारखंड के लोगों ने इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि आज उन्हीं की वजह से ये मैं कर पाया हूँ, और ये मैं अपने लिए नहीं लिया हूँ। करने को आप बहुत पहले कर लेते, लेकिन इतना लंबा वक्त क्यों लगाया? लंबा वक्त भगवान जो होते हैं परीक्षा लेते हैं, और मेरी भी बहुत सारी परीक्षाएँ थी, लगातार वो परीक्षा चल रही थी, और परीक्षा देते देते और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और क्या कहूँ। बाकी पापा से बात करिए। बहुत बहुत बधाई हो अंकल जी, आज आपके घर में एक कार, एक नया मेहमान आया है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, ये अपनी त्याग तपस्या से और प्रचंड संघर्ष करते हुए इन्होंने सफलता प्राप्त किया है। मेरे तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं, और अपना जो है मनोवांछित भगवान इनको मतलब इच्छाएं पूर्ति करते रहें, यही शुभकामना है बस, और संघर्षरत हमेशा रहें बस। कहने का स्वच्छंद पत्रकारिता करते हैं और ग्राउंड पे जा करके सच्चाई को दिखाने का कार्य करते हैं, इनको जब आप पढ़ाना प्रारंभ किए होंगे, एक दिशा दशा देने का कोशिश किए होंगे, तो क्या आपको लगता था कि प्रवीण जी इतना बड़ा सपना, मतलब जो भी आपका सपना है पूरा कर देंगे? नहीं, ये सपनों के लिए बहुत संघर्षरत रहते हैं, बहुत धैर्यवान हैं, और इनकी परीक्षा तो बहुत हमने ले लिया भी है, और अच्छा, बहुत परीक्षा भी लिया। हाँ हाँ, और ये बहुत सारी परीक्षाएं भी प्राप्त कर चुके हैं, ये MSc BEd हैं, और डिग्री कॉलेज में पढ़ाते भी थे, लेकिन बंधन में कार्य करना इनकी पसंद नहीं थी, मतलब नौकरी नहीं करना, नौकरी नहीं करना, कई 40-40 हज़ार की नौकरियाँ इन्होंने छोड़ दिया, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना भी छोड़ दिया, और ये स्वच्छंद कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और मीडिया पे आकर के जो है इन्होंने अपनी त्याग तपस्या से उपलब्धि प्राप्त किया है। अच्छा, जो कार इन्होंने खरीदा है तो क्या राय परामर्श आपसे लेते थे? हाँ हाँ, राय परामर्श लेते थे, इनकी हार्दिक इच्छा है, और ये मतलब इस सफलता के लिए और अपनी ऊंचाइयों पर जाने के लिए, चढ़ने के लिए इन्होंने ये कार्य लिया है, और बाकी आप तो बेटा जिस प्रकार से कार्य कर रहा है समाज के हित में, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लोक कल्याण की भावनाओं को हम सदा इनको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि हमेशा लोगों का हित करो। हाँ, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सामने से ये चेहरा गुजरा है जी, और लाखों में इनके परमानेंट उपभोक्ता हैं जी, क्या कहेंगे? अगर ये नौकरी करते तो क्या इनको इतने लोग जानते? नहीं नहीं, नौकरी करने पर इतनी उपलब्धि इनको नहीं प्राप्त होती, आजकल का जमाना मीडिया का है, और मीडिया चाहे जिसको ऊपर चढ़ा दे चाहे जिसको नीचे उतार दे। बेटा खुद मीडिया वाला, अब बेटा खुद मीडिया वाला, तो सब लोग दर्शकों को भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो कि इनकी वॉइस को जो है लोग पसंद करते हैं, इनके ग्राउंड रिपोर्टिंग को भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनको 6 महीने चल रही हैं कि प्रवीण भाई कार ले रहे हैं, भाई आज वो दिन आ ही गया, उसके लिए हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। हाँ, चलिए प्रवीण जी से थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, एक लंबा वक्त लोगों को इंतजार कराए हैं, जितनी खुशी आपको ये कार खरीदने में नहीं हुई है, उससे ज़्यादा खुशी जो दर्शक आपको देख रहे हैं आज, वो खुश हुए हैं, क्या कहेंगे? उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद है कि जो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और आपको बता दें कि उनके लिए अब जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते थे, अब मुझे लगता है कि मैं वहाँ बहुत आसानी से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जो अभी टेम्परेचर आप देख रहे हैं, जिस जो टेम्परेचर चल रहा है, जितना गर्मी चल रही है, अगर हम लोग बाइक लेके जब निकलते थे दोपहर में 12-1 बजे, तो ऐसा लगता था कि साला गिर पड़ेंगे, लेकिन जगत जननी जगदम्बा जी की कृपा से आज मैं जो काम किया हूँ, अब निकलने में मुझे ज़रा से भी हिचक नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ मैनेजर साहब हैं, ये भी कुछ 2 शब्द रखे, बड़े बहुत आशीर्वाद मुझे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर
प्रवीण भाई कौन सी कार लिए हैं जानना चाहते हैं? उसको लास्ट में खोला जाएगा, अभी लास्ट में वो खुलेगा और एकदम हर हर महादेव के नारे लगेंगे। हमारे साथ आदर्श भैया हैं और हमारे आदित्य सर, हम चाहेंगे सब लोग आइए। पहले मैनेजर सर आ जाइए, आइए सर, यहाँ पे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपके द्वारा जो प्रोवाइड की गई है ये कार, हमारे टीम में एक नया सदस्य शामिल हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और आपसे मिलके मुझे बहुत इंस्पिरेशन हुआ, हमारी पूरी टीम को काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, और आपसे मिलके मैंने देखा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं डाउन द ग्राउंड, आपसे अभी पता चली बातें तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। और हमारे लिए एक सौभाग्य है कि TMB टाटा मोटर्स सीतापुर रोड लखनऊ को ये अपॉर्चुनिटी मिली, और हम चाहेंगे कि आपके लिंक से हमारे पास और जो भी आगे कल को आ रहे हैं तो हम उनकी सेवा करेंगे पूरे भाव से, और अपनी तरफ से जो बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं उनको ऑफ़र करेंगे। ये सर के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऑफ़र है। टाटा की तमाम एजेंसियां हैं, जौनपुर में भी एजेंसी है, क्या बात है कि प्रवीण जी आपके यहाँ चल करके लखनऊ में आए हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ये हमारा और हमारी टीम का सौभाग्य है जो आपसे जुड़े, और थे सुबह सुबह आपकी, मतलब ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त होने वाला है? नहीं, मेरी बात पहले दो दिन से चल रही है और मेरी फ़ोन पर बात हुई, अब मैं इसको सौभाग्य ही कहूँगा, ऊपर वाले की मर्जी है कि इन्होंने हमको चुना। मैं भी जैसा कि सर ने मुझसे कहा कि उन्हें हमारे बात करने का तरीका पसंद आया, तो बस मैं यही चीज़ कंटिन्यू करूँगा अपनी टीम से चाहूँगा। अगर आपको बता दें कि अगर हम TMB की बात करें, TMB टाटा मोटर्स की बात करें, तो यहाँ पर हमसे जो अगर बात करें, जो सेल मैनेजर जो बात कर रहे हैं और टीम में जितने लोग हैं, मैनेजर साहब आपके सामने खड़े हों, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बातें जो नीचे अधिकारी लोग कर रहे हैं वही ऊपर तक से वही बातें आ रही है। और मैं कहीं कहीं बहुत कई जगह मैं ट्राई किया, नीचे वाले कुछ बतियाते हैं, मैनेजर साहब कुछ बतियाते हैं, गाड़ी रहेगी तो पता लगा कि कोई और आ गया, पहले से हम बुकिंग कराए हैं तो पहले कहें भैया पैसों आए पैसों जो निकाय ओका गाड़ी छोड़ा ओका छोड़ा ओका छोड़ा, तो उसको छोड़ देते हैं। मतलब ये तमाम हम कह रहे हैं कि जो गाड़ी लेने के लिए करेजा करता है ना भाई साहब, उसको ये लगता है कि मतलब गाड़ी हमें कैसे मिले। इतना पे किए हैं? पे क्या, पे तो पे नहीं बता सकते हो, तो मैनेजर साहब जानते हैं, लेकिन ये है, लेकिन ये गाड़ी खरीदते समय जी सबके साथ ऐसा ही बिहेव होता है, आगे से सावधान रहिएगा। हाँ, ऐसे केसेस हैं। हाँ, देखिए, चाहे जो भी हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हम चाहते हैं कि अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हैं, आपको बता दें कि टाटा जो है, टाटा अपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और टाटा की अगर हम बात करें तो ये सभी कारों में सबसे मजबूत कार है। और जब हम अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से ये पता किए कि हम कौन सी कार लें, तो सब लोग टाटा की कार मुझे प्रीफर किए कि आप टाटा ही लीजिए। अभी तो कंफर्म हो गया है कि ये टाटा की कार है, अब कौन सी कार है जानते हैं, मैनेजर साहब आप बताएंगे कौन सी कार है। खोलने के बाद मुझे लगता है कि ये सौभाग्य आप ही डिस्क्लोज करें, आप ही कर्टन हटाएं गाड़ी का, पापा से, पिताजी जी। चलिए आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, सबसे बड़े आप हैं। आदर्श जी क्या कहेंगे, टीम में एक नया सदस्य शामिल हुआ, ये तो होना ही था, और होना था, एकदम तय था, ये आज नहीं, इंतजार था ना, छह महीने से लोगों को गोला खिला रहे हैं। छह महीने, देखिए कई चीजें होती है, जब आप कहीं पर कुछ भी लेने जाते हो, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा प्रोडक्ट, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारे काम काज होते, तमाम सारे उन सबसे गुजरना पड़ता है, तो जिसमें वक्त लग जाता है, और ये आज नहीं, बहुत पहले ही हो जाना था, चूंकि उस वक्त पर कुछ और भी चीजें थी, घर की और भी जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से प्रवीण भाई ने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया डेट को। और बताए, ये मैंने क्यों कहा कि होना ही था, ये तमाम सारे दर्शक हो सकता है ना जानते हो, बता दूं कि प्रवीण भाई एक कॉलेज में पढ़ाते थे एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर, और आप सोचिए कि कॉलेज का टाइम क्या होता है, उसके बाद में टाइम निकालना और फिर बाइक से चैनल पे काम करना, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, फिर उसके बाद में रात में निकलना, सुबह सुबह स्टोरी करना और फिर टाइम से कॉलेज पहुंचना, इतना सारा संघर्ष इन्होंने किया, उसके बाद में फिर इन्होंने चैनल छोड़ा। एक और याद है मुझे किस्सा, हुआ ये था कि हम लोगों को बिहार जाना था, और जौनपुर से गोपालगंज की दूरी कितनी है ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, थोड़ी सी मेहनत आपके हिस्से भी छोड़ देते हैं। हम लोग बाइक से निकले, मैं और प्रवीण भाई थे, और हम गोरखपुर पहुँचे, बारिश होने लगी। अब ये हुआ कि कैसे निकला जाए, हमने सोचा क्या पता बारिश थम जाए, इंतज़ार करते रहे, बारिश नहीं रुकी, बारिश में भीगते हुए गए हैं, बैग जो है वो पॉलीथीन में रख के उसको कवर कर लिया, पूरा कपड़ा भीग गया,
और जो भी सामान था थोड़ा बहुत बैग में भी पानी गया, पूरा तो नहीं सेफ हो पाया, लेकिन भीगते हुए हम गोपालगंज पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में पूरा कपड़ा जब ऐसे निचोड़ा ऐसा लग रहा जैसे बाल्टी में डुबोया हो। बाकी सबको पता है कि बारिश अगर तेज़ हो रही हो तो भीगेंगे तो कैसा, तो इतना जो संघर्ष करे उस पर नहीं अगर भगवान मेहरबान होगा तो क्या जो घर में सो रहे हैं उन पे होगा। तो इसीलिए मुझे पता था कि हाँ प्रवीण भाई की मेहनत जो है वो निश्चित ही रंग लाएगी और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो इनकी समझदारी है, सूझबूझ है कि ये दिखावा नहीं करते हैं किसी चीज़ का, कहीं भी किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, अपना शांति से काम करते हैं जनता के लिए। जैसे एक तमाम सा विरोध भी नहीं, नहीं विरोध को देखिए गलत का विरोध ही हमेशा किए हैं, किसी को कोई भी गलत कर रहा है तो नहीं भैया आप गलत हैं यहाँ पर ये चीज़ है, तो मतलब एक जैसा होना चाहिए सामाजिक व्यक्ति को उस तरीके से पत्रकार को जैसे होना चाहिए। हाँ पत्रकार के साथ साथ सामाजिक, देखो पत्रकार का काम ऐसे देखा संपन्न पत्र, हाँ हाँ बिल्कुल उस तरीके से आप कह सकते हैं जैसे लोग ढूंढते हैं बहू कि क्या क्या हो, उसमें तमाम सारे गुण ढूंढे जाते हैं ना कि हाँ सुशील हो, सुंदर हो, भाई काम काज भी करे, हैं माता पिता का पाँव भी दबा दे, पति की सेवा भी करे, तो ऐसे जो पत्रकार वाले और एक सामाजिक व्यक्ति बहू की ही उपमा दे रहे हैं, जो गुण हैं जो ढूंढे जाते हैं जैसे एक बहू में सारे गुण मिल जाते हैं, वैसे एक पत्रकार भाई अगर देखोगे जो सामाजिक पत्रकार हो, सामाजिक व्यक्ति हो, जिसके अंदर मानवता बची हो, जो संवेदनशील हो, वो सारी चीज़ें प्रवीण भाई में है। और शायद इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड में भी खूब देखा जाता है हिंदी भाषी राज्यों में इनका चैनल। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है। हमने देखा है कई बार ऐसे हम लोग गए और लोग इनसे मिले, अरे भैया हमने आपकी खबर देखा है, आप बहुत अच्छा करते हैं, ये है वो, मतलब तमाम तरह की जो और तारीफें लोग करते हैं क्योंकि इनका काम ऐसा ही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं और मैं चाहूँगा कि हाँ प्रवीण भाई आ जाइए जी। और आपको बता दें कि लखनऊ से मुझे इस गाड़ी को लेने के लिए ये हमारे आदित्य सर हैं जो हम लोगों के सीनियर हैं और हमेशा मार्गदर्शक हम लोगों को करते रहते हैं। और आपको बता दें कि भैया ये सब दो दिन में करवा दिए, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और हम चाहेंगे कि दो शब्द भैया भी रखें। बहुत बहुत बधाई। अरे बधाई प्रवीण है, अब जहाँ पहुँचने, मुझे पता लगा कि खबरों के लिए जब मैं पहली बार तुमसे शायद वहाँ मिला था लखनऊ में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, मुझे आदर्श ने बताया कि पीजी न्यूज़ का एक लड़का जौनपुर में है और ये स्टोरी चल रही है, शाम को बात होती है और ये सुबह पहुँच जाता है। मुझे लगता है कि हाँ खबरों को लेकर अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है एक पत्रकार होने के नाते, जब भी आप कहीं आसपास देखते हैं चीज़ों को तो लगता है कि हाँ ये खबर है, ये खबर है और इस खबर को मुझे कैप्चर करना चाहिए, इस खबर को मुझे करना चाहिए। उसके लिए आप ये ना देखो कि हाँ दूरी कितनी हो रही है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बजरंग बली जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लंका देख रहे, लंका बहुत दूर थी, समंदर पार के जाना था लेकिन उन्होंने लक्ष्य देखा उन्होंने और लक्ष्य की तरफ बढ़ लिए, रास्ते में रुकावटें आई लेकिन पहुंचे, वही इसने किया है। अगर लक्ष्य देख रहा है वो खबर उसकी लक्ष्य है, एक पत्रकार का जीवन ही खबर है, वो खबरों में जीता है, खबरों में सोता है, खबरों में खाता है पीता है सब वही करता है, खबर ही उसके लिए सब कुछ है। तो जो खबर को इम्पोर्टेंस देता है तो उसी का नतीजा ये है। बस चलिए अब हम चाहेंगे रुक जाइए। तो मित्रों आप लोगों को बता दें कि 0 सब्सक्राइबर से लेकर के अगर 8 लाख तक अगर ये पहुंचने वाले हैं, लोगों को लगता है कि इसके पीछे संघर्ष क्या है, तो धूप में तपे हैं, बरसात में भीगे हैं और ठंडी में कड़कड़ाए हैं ठंडक में, तब जाकर के कहीं ना कहीं आज 8 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और ये जो सपना है इनका, ये सपना पूरा होने वाला है। ये सपना आप भी पूरा कर सकते हैं, इसके पीछे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आप लोगों को लेके चलते हैं अंकल जी, इस कार की ओपनिंग करेंगे और आप लोग देखिए कि प्रवीण भाई कौन सी कार लिए हैं। अंकल जी ओपनिंग करिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तालियां, क्या बात है, जय हो। आइए प्रवीण भाई आइए, आप बताइए, असली बधाई तो अब बनती है। आइए, क्या बात है, क्या बात है, आज जो है देखिए खुशी के आंसू छलक पड़े हैं। और कौन सी कार है यहाँ पे देख लीजिए ये आप लोग, ये टाटा की पंच है। प्रवीण भाई अब ये जो है सही समय है बधाई देने का, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। क्या कहेंगे फिर से एक बार, सब प्रेमाश्रु है कोई बात नहीं, ठहर बोलिए बोलिए दो शब्द, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। हाँ खुशी का कोई बात, धैर्य धारण करो, हम है ना, क्या बात, बोलिए बोलिए। अभी पिता हैं, अभी आप क्यों चिंता करते हैं, चिंता क्या बात है यार,
पीटर चट्टान जैसे खड़ा है, फिर क्या बात है। तो मित्रों अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं, भाव विभोर हो गए हैं। टीम में और परिवार में एक नया सदस्य टाटा का आया है जिसका नाम है टाटा पंच। इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस मामले से संबंधित, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्रवीण भाई के कामयाबी का ये सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तक तब तक के लिए नमस्कार।